जय हिंद साथियों, बड़ी खुशखबरी, इंडियन आर्मी का एक और रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ चुका है दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया ये रिक्रूटमेंट रहेगा और ट्रेड्समैन के पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकला है। अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी और अच्छी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। सेना में जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए सेना की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट जारी हुआ है दोस्तों, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से पदों पर ये रिक्रूटमेंट होगा, साथ ही कब से लेकर आप कब तक इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। साथ ही दोस्तों आगे आने वाली सेना रैली भर्तियों की पल पल की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हमने ओपन कर लिया। और दोस्तों ये कि सेना के यहाँ पर सेना में ये रिक्रूटमेंट निकला है, जो कि सेना की जो गनेडियर रेजिमेंट रेजिमेंटल जो सेंटर है उसमें ये रिक्रूटमेंट निकला है। ऑल ओवर इंडिया सभी कैंडिडेटों के लिए रिक्रूटमेंट रहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास में रिलेशन नहीं है फिर भी आप दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटमेंट में भाग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया सभी कैंडिडेटों के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। अब यहाँ पर अलग अलग मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि कौन कौन से पदों पर रिक्रूटमेंट निकला और कौन कौन से पदों पर क्या क्या आप लोगों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर आप देख लीजिएगा, गनेडियर रेजिमेंट में रिक्रूटमेंट निकला है जिसमें आपके कुक है, टेलर है, बार्बर है, रेंज चौकीदार और सपाई वाला के पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकला है। साथ ही अगर यहां पर बात करें अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो अगर यहां पर आप कुक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपको कुकिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप टेलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप या तो 10वीं पास है या आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट है तो आप टेलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बार्बर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर भी 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार्बर ट्रेड से। वही बात करें दोस्तों रेंज चौकीदार की भी वैकेंसी आई है और यहां पर भी केवल और केवल 10वीं पास रखा गया है। उसके अलावा सफाई वाले की बात करें तो यहां पर भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th पास रखी गई है, साथ ही दोस्तों आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सफाई का। तो अब बात करते हैं दोस्तों अलग अलग एज क्रिटेरिया की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज रहेगी वो 18 से लेकर 25 वर्ष तक रहेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप SC और ST कैंडिडेट है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए 30 साल तक भी अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है ये ऑफलाइन है और ऑफलाइन ही फॉर्म आपको भेजना होगा। बात आती है दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे आपको भेजना होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना होगा, जो एड्रेस रहेगा आपका द कमांडेड गनेडियर रेजिमेंट सेंटर जबलपुर MP 48201 पिन कोड है यहाँ का। और यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म आपको ये भेजना होगा और 30 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको साथ में सेल्फ एड्रेस के एक स्टाम्प जो आपका पोस्टल स्टाम्प है वो आपको यहां पर भेजना होगा, जिसमें 25 रुपए की डाक टिकट लिखी होनी चाहिए। उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे जो कि मैं आपको बता देता हूं, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट है, 10वीं की मार्कशीट है, साथ ही डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। अगर आप दोस्तों एक्स सर्विस मैन है तो एक्स सर्विस मैन और EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट भी साथ में लगा सकते हैं। अब यहां से आप देख लीजिएगा दोस्तों नीचे जाएंगे तो आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा और यहां से इस फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकलवा के आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों मैं आपको ये फॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां जाके आप पूरी जानकारी डिटेल से देख सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन फॉर्म है वो भी आप आराम से इसे प्रिंट आउट निकलवा के भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।